तो आज का शाउट जाता है अरकम कुरैशी, गुरविंद सिंह, सत्यम, फिर गुलाम जिलानी, इंडियन गेमर अभिजीत, ए रिफ्लेक्ट गेमिंग, टेक्नो गेमर्स फैन, रेसेस गेमिंग, जो सी पी, डेविल एक्स, आर जी एफ शूटिंग क्लब, विशु घोष, विघ्नेश जोशी और कूल गेमिंग, राजवीर जट, विनायक फैन क्लब, के जी प्लेज, आर के गेमर, फिर रिधीश गुप्ता, यशीन गेमिंग, पॉके गाय, गेमिंग वाईटी, भोला केसरी और लास्ट अदोर मिया और सत्येंद्र दीक्षित। तो आज का शाउट आउट इतना ही, और चलिए अपने हार्ड गोल को स्टार्ट करते हैं। Few inches later. तो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? आप सबका स्वागत है हमारे माइनक्राफ्ट के एक हार्ड कोर मोड में, और ये सीरीज़ का हमारा छठा एपिसोड में। तो आज एपिसोड में हम कुछ बहुत ही ज़्यादा स्पेशल और मतलब मस्त चीज़ करने वाले हैं, जिसको देख के आपको भी बहुत ही अच्छा लगेगा, मतलब मज़ा आएगा। तो चलिए पहले वीडियो को फटाफट में पहले शुरू कर देता हूँ। A few moments later. तो चलिए सबसे पहले तो हम सो लेते हैं। ओके एक मिनट, यू कैन स्लीप ओनली इन नाइट। ओके नाइट मतलब नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं, और मैं आपको कुछ स्पेशल चीज़ दिखाता हूँ। तो देख सकते हो हमने ये एक फ़िश फार्म बनाया था पहले, जिसके अंदर मैंने थोड़े से फिशेस ला के रखे। तो देखिए इसके अंदर मैंने 5 फिशेस पकड़ के रखे, और आपको दिखाता हूँ एक स्पेशल चीज़ मिली है मेरे को। तो आप देख ही सकते हो कि इधर मुझे एक बुक मिला, और इसमें क्या है आपको पता है? तो इसमें फॉर्चून 3 है, यानी हमारे पिकेक्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ओपी है। और अगर हम डायमंड माइन करेंगे तो हमको ज़्यादा मिलने के चांसेस होते हैं। और अरे चल इधर, तो और तो कुछ मैंने इधर चेंजेस नहीं किया, लेकिन सबसे मेन चेंजेस ऊपर है आपको तो है ना। पहले मैं बता दूँ आज हम क्या करने वाले हैं। तो आज हम बनाने वाले एक एक्सपी फार्म, क्योंकि हमने एक बता दूँ मैं आपको इधर दिखा के। तो देखिए ये हमने एक ये बनाया रूम इंचेंटेड सेटअप। तो हमको इंचेंटमेंट्स के लिए एक्सपी चाहिए होती है, और एक्सपी के लिए एक्सपी फार्म चाहिए होता है। तो आज हम बनाने वाले एक्सपी फार्म। तो मैंने है ना सब सब कुछ चीज़ें ले ली है, और एक वेंडिंग ट्रेडर आया था जिससे मैंने एमरल्ड से है ना ट्रेड किया था, तो मुझे ना एक कैल्प दिया उसने। तो आप मतलब एक ही कैल्प लिया मैंने, और एक ग्लोस्टोन लिया उससे, और एक पम्पकिन लिया। तो आप सोच रहे हो कि अगर मैंने एक कैल्प लिया है तो 2-3 कैसे हो गए? तो मैं आपको दिखाता हूँ। इधर मैंने एक ये देखिए कैल्प ग्रो हो रहा होगा इधर, तो इधर कैल्प आपको दिख रहा है ना। तो मैंने कैल्प इधर लगा दिया था कि 2-3 मिल जाए ना तो मैं एक कैल्प एक्सपी फार्म बना सकूँ। और आपको पता ही होगा, अगर आप मेरे दूसरा सर्वाइवल वर्ल्ड देखते हैं नॉर्मल वाला, तो आपको पता होगा कि कितना ज़्यादा यूज़फुल है एक्सपी फार्म, कैल्प एक्सपी फार्म। तो आज है ना हम वही एक्सपी फार्म बनाने वाले, और मैंने सारी की सारी चीज़ें ले ली है, तैयारी कर ली है। अगर आप मतलब अगर आपको ये फार्म बनाना है तो मैंने एक ट्यूटोरियल भी बनाया, तो आप उसको बना सकते हो। और देखिए उधर आपको थोड़े बहुत चेंजेस दिख रहे होंगे, और ये वर्ल्ड लोड हो जाए फटाफट। यहाँ पे एक बेड लगा दिया मैंने, एक चेस्ट लगा दिया, और हाँ मैंने देखिए 4 ही विलेजर बचे मेरे, क्योंकि सबने ज़ॉम्बी ने मार दिया। तो मैंने सब जितने भी विलेजर है मेरे ये मतलब ये विलेज में, उन सबको मैंने ना ऐसे बंद कर दिया। और देखिए मैंने 2 कैट्स को इधर टेम कर लिया है, क्योंकि क्रीपर से प्रोटेक्ट करना है ना। और देखिए एक एरिया ले लिया है मैंने। तो है ना हम एक्सपी फार्म कहाँ बनाएंगे, बस ये सोच रहा हूँ मैं। तो एक्सपी फार्म उधर उस साइड बनाऊँ, या फिर मैं है ना यहीं पे कहीं पे बना देता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक घर बनाने का सोच रहा हूँ, क्योंकि ज़मीन के नीचे तो हमारा अंडरग्राउंड बेस तो है, तो एक एक्सपी फार्म भी तो चाहिए होगा। तो मैं ना वो एक्सपी फार्म यहाँ पे बना, एक मिनट, यहाँ पे है ना मैं शायद फार्म बनाऊंगा जहाँ पे मैं एनिमल्स को रखूंगा, आई गेस ऐसा कुछ सोच रहा हूँ। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो ये मैंने जगह जगह पे कारपेट लगा दिया, क्योंकि कारपेट से हम ऊपर आ सकते हैं। तो मैं है ना ये ब्लॉक्स लेके आया हूँ, ये ब्लॉक्स से मैं बनाने वाला हूँ। तो ये ब्लॉक्स को फटाफट ले लेता हूँ। तो पहला यहाँ से बनाता है, पहला ब्लॉक ऐसा होता है, दूसरा इसके यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, और चौथा यहाँ पे, एक यहाँ पे। अब ये वाले को माइन कर लेना है, इसको भी माइन कर लेना है। पहले ना जो जो चीज़ें चाहिए उसको मैं आगे ले लेता हूँ, तो इसको मैं हटा देता हूँ, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये फिर रेड स्टोन, फिर ये कंपरेटर, और एक लीवर की ज़रूरत पड़ेगी। एक मिनट, एक लीवर चाहिए होता है मेरे को, तो वो लीवर को मैं बना लेता हूँ। तो सबसे पहले तो एक लीवर मैं यहाँ पर लगाता हूँ, एक टॉर्च मैं यहाँ पे लगाता हूँ, एक रेड स्टोन डस्क यहाँ पे लगाता हूँ, और ये यहाँ से एक कंपेरिटर लगाऊंगा। तो ये हो चुका है हमारा, क्लॉक बन चुका है। तो इसको सबसे पहले बंद करते हैं, ओके, और ये कलेक्ट हो जा। फिर है ना इसको 1, 2, और यहाँ पे अपना स्टिकी पिस्टन लगेगा। स्टिकी पिस्टन कहाँ गया भाई? ओके ये रहा, एक स्टिकी पिस्टन यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा। और ये नीचे का है ना, ये कहाँ गया? एक मिनट, यहाँ पे सैंड लगेगा ना, तो मुझे इधर ब्लॉक्स लगाने पड़ेंगे कुछ इस तरीके से। ये ब्लॉक लग गया, और है ना मुझे ना इसके नीचे का ये ब्लॉक को तोड़ देना है, और इसको भी तोड़ ही देता हूँ। उधर है ना अपना सैंड अगर फंस गया ना तो वो आराम से निकल सकता है। और ये सैंड, और क्या लगाना था,
जो जो लगाना है वो ही मैं ले रहा हूँ। तो ओके पहले सैंड ही लगा देते हैं, तो एक सैंड यहाँ पे और एक सैंड यहाँ, एक मिनट ऊपर चढ़ना पड़ेगा, एक सैंड यहाँ पे, दूसरा सैंड यहाँ पे, ये यह हमारा हो चुका है। अब है ना मैं इन सबको ना बंद कर देता हूँ क्योंकि अब इनकी ज़रूरत है नहीं। तो इस तरीके से क्राउच होकर फटाफट से इनको बंद कर देता हूँ। तो ये हो चुका है, यहाँ पे हमारा केल्प उगेगा और एक ब्लॉक यहाँ पे, और हमको यहाँ पे एक पिस्टन लगाना पड़ेगा। तो ये एक्सपी फार्म बन जाएगा ना, तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपी होगी। और आज है ना हमको थोड़ी बहुत इंचेंटेड कर लेना है, इंचेंटमेंट। मुझे थोड़े से आयन कम पड़ गए यार, अगर आयन होते ना तो मैं एक वो बना के, क्या बोलते यार उसको, नाम मैं भूल गया, एक मिनट यार क्या कहते उसको, जो आयन से बनता है ना, एक मिनट मैं नाम देख लेता उसका, यहाँ पे होगा शायद, ओके याद आ गया, एनविला। तो एनविल बना लेता जिससे मैं फॉर्चून अपने पिकेक्स पे लगा लेता आराम से, लेकिन कोई बात नहीं। और इसको थोड़ा सा यहाँ पे, यहाँ पे ये क्या, ये मेरे एक एरिया से बाहर जा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। इस पर ना मैं, अरे यार ये क्या हो गया, इस पर ना मैं टॉर्चिस लगा दूंगा, मैं नहीं चाहता इसके ऊपर कोई स्पॉन हो जाए। तो एक टॉर्चिस मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, एक यहाँ पर लगा देता हूँ, बस इतना सही है। अब चलिए एक मैं यहाँ पर लगाता हूँ और एक यहाँ पे लगा, अरे यार लग जा भाई, क्यों ऐसा कर रहा है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और ये यहाँ पे, इसको ऊपर ले जाने के लिए एक ब्लॉक रखना पड़ेगा ये यहाँ पे। चलिए हो चुका है, और यहाँ पे खाली एक रेडस्टोन टॉर्च लगाना होगा, फिर अपना फार्म रेडी हो जाएगा। ये हो चुका है, और बस एक एक यहाँ पे रेडस्टोन लगा दूंगा ना डस्क, तो ये चालू हो जाएगा, लेकिन मुझे अभी इसको चालू नहीं करना। ओके चालू हो चुका है, तो मुझे ना इसको बंद करना पड़ेगा एक मिनट के लिए। पहले इसको 1 2 और ये 1 2 ओके हो चुका है। तो एक काम करता है, इसको मैं यहाँ से ना रेडस्टोन का है ना कनेक्शन ही तोड़ देता हूँ एक मिनट, क्योंकि अभी मेरे को इसको चालू नहीं करना है, इसको थोड़ी देर बाद चालू करना है। यहाँ पे लगा देता हूँ, ये क्लॉक बन चुका है हमारा, तो इसको मैं बाद में करूँगा। सबसे पहले इधर से मैं ना ब्लॉक कर लेता हूँ इसको, ये एक ब्लॉक, ये दो ब्लॉक, और ये पूरा का पूरा ब्लॉक कर लेना है। इसको है ना एक ब्लॉक ऊपर लेके हमको इसको बंद कर देना है। यहाँ पे मैं वो भी लगा सकता हूँ, क्या कहते हैं यार उसको, ग्लासेस, लेकिन है ना कोई बात नहीं, ग्लासेस से सिर्फ लुक अच्छा आता है और कोई काम नहीं होता है ग्लासेस का। तो ये देखिए हो चुका है, और मुझे यहाँ से नीचे डैमेज पड़ेगा यार, मेरी 2 हेल्थ चली गई, बाप रे। नहीं नहीं मैं ऐसा दोबारा नहीं कर सकता, मैं इधर से ये वाले ब्लॉक्स को यूज़ करूँ अब, तो थोड़ा सा ऊपर जाने का रास्ता बना लेता हूँ। चल बन जा, यहाँ पे भी हो गया, अरे यार नीचे नहीं, नीचे नहीं, तो है ना मुझे इधर तोड़ना पड़ेगा यार, टूट जा। ओके टूट चुका है, अब है ना मुझे यहाँ पे लगाना पड़ेगा 2 चेस्ट। कहाँ है भाई मेरे 2 चेस्ट, ये रहे 2 चेस्ट, एक एक चेस्ट, एक मिनट, मुझे इसको एक ब्लॉक दूर करना पड़ेगा यहाँ पे, और चेस्ट यहाँ पे लगेगा, फिर इसको मैं वापस से तोड़ दूँगा, और अब यहाँ पे लगेगा हॉपर। हॉपर आ जाओ भाई, हॉपर कहाँ पे हो, ये लगा हॉपर, और ये हॉपर लग चुका है। अब है ना मुझे इसको डबल चेस्ट कर देना है, तो क्राउच हो जाना है और डबल चेस्ट हो जाए। ओके हो चुका है, तो नाइट हो चुकी है, तो एक मिनट कहाँ गया मेरा घर भाई, ओके वो बाजू है, तो मुझे उधर जाके सो लेना है। 6.5 hours later. अगर आप हार्डकोर खेलते हो, और हाँ आपको है ना ये वाले क्या बोलते इधर है ना, ये वाले वीडियो के ना डिस्क्रिप्शन में आपको शायद मेरे है ना वर्ल्ड का लिंक मिल जाएगा। अगर गलती से अगर मैं भूल जाता हूँ तो मैं बाद में पोस्ट कर दूँगा, इसलिए आप है ना चेक करते रहना, आपको कभी भी मिल सकता है। तो एक काम करता हूँ यहाँ, ओके ये टॉर्च को तोड़ना पड़ेगा मेरे को, टूट जा भाई, ये टॉर्च टूट गया, और है ना मैं इसके ऊपर ही लगा देता हूँ यहाँ पे, और एक यहाँ पे, तो कहाँ पे, यहाँ पे ना, तो इसको तोड़ते हैं फटाफट से, टूट जा टूट जा। यहाँ पे एक चेस्ट यहाँ पे, और पीछे आ जा भाई, एक क्राउच होके एक हॉपर यहाँ पे, और एक हॉपर यहाँ पे, फिर यहाँ पे ये, और उसके बाद यहाँ पे हमारे फर्नेस, कहाँ गए भाई फर्नेस, भाई किधर हो तुम, तो ये रे फर्नेस, उसका मुंह दिखता है ना ड्रॉपर का, तब मेरे को पता चले ये ड्रॉपर ये है कि क्या है। तो अब यहाँ पे एक हॉपर यहाँ पे, एक हॉपर यहाँ पे, चलो फाइनली हमारे ये एकदम रेडी है। अब लास्ट के कुछ काम बाकी है, तो एक काम करते हैं, यहाँ से मैं ना ऊपर चढ़ने का एक रास्ता बना लेता हूँ, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो ये बन चुका है ना, ओके इसको भी मैं बंद ही कर देता हूँ। यहाँ से है ना मैं कलेक्ट कर सकता हूँ, तो अपना सब काम हो चुका है। यहाँ पे एक स्लैब लगाना है, ओके ओके स्लैब लगाना बहुत ज़रूरी है, यहाँ ऊपर यहाँ पे वाटर आएगा ना। तो चलो सब अपना काम हो चुका है, अभी ना मुझे है ना यहाँ पे है ना ग्लासेस लगाने हैं, तो इसको यहाँ पे रखता हूँ। और कोल लेने तो मैं अभी जाने वाला हूँ नहीं, तो एक काम करता हूँ इसके अंदर ये लगा देता हूँ,
तो थोड़े से ग्लासेस बन जाने दो, फिर मैं आप मिलता हूँ थोड़ी देर बाद। देखिए मैंने ना वहाँ से पेड़ काट काट के यहाँ पे लगा दिया, अपने लिए एक जंगल बनाया कि मैं यहाँ पे आराम से काट सकूँ, वहाँ पे टॉर्चेस लगाए कि कोई स्पॉन ना हो, मतलब सब सेफ्टी रख के ही मैं कर रहा हूँ। और नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पे एक मस्त घर बनने वाला है, ओपी वाला, मैं आज ही बनाने वाला था, लेकिन मैंने सोचा एक्सपी होना चाहिए, उससे एन्चेंटमेंट्स होने चाहिए, तब जाके अपना काम सब अच्छे से होगा ना। इसको मैं लगाता हूँ यहाँ पे, और इसको लगाता हूँ यहाँ पे, फिर हमको लीवर बनाने पड़ेंगे, एक एक नहीं दो लीवर की ज़रूरत होगी, तो दो लीवर बना लेते, एक दो। इससे क्या होगा, इससे हम यहाँ हॉपर को ऑफ कर देंगे, जिससे कि हमको यहाँ पे एक्सपी मिलेगी। अगर आपको पता ही होगा, मैंने आपको दूसरे वाले वर्ल्ड में बताया ये, तो कितने हो चुके हैं, 6 हो चुके हैं बस, और नहीं चाहिए भाई। रुक जा। इसके अंदर मुझे कोल भी डालना पड़ेगा यार, सब बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है। ओके चलो, ये 16 बन चुके हैं, तो ये एक अच्छी बात होती है, एक साथ 16 मिलता है। तो यहाँ पे चलो, और इसको फटाफट से यहाँ पे, एक मिनट मुझे इसको थोड़ा सा बाहर निकालना पड़ेगा। बाहर आ जा, इधर लगाओ, इधर भी लगाओ, क्राउच होके इधर भी लगाओ। ओके चलो, हो चुका है। और एक ग्लास पैनल यहाँ पे लगेगा, क्योंकि यहाँ तक पानी आएगा ना, तो बस हमको एक पानी लगाना है, कैल्प लगाना है, अपना काम बन जाएगा। चलिए मैं थोड़ा सा ऊपर चल लेता हूँ यहाँ से, थोड़ा सा और ऊपर। यहाँ पे मुझे मॉब स्पॉन नहीं होने देना है, और यहाँ पे तो लगाइए, तो यहाँ पे भी एक टॉर्चेस लगा देता हूँ इसके, बस इतना ही। ओके, हमको एक बकेट ऑफ वाटर लाना है, ज़्यादा नहीं, एक बकेट ऑफ वाटर, और अपना ये फार्म रेडी हो जाएगा। चलो दोस्तों, तो फाइनली मैं है ना वाटर लेके आ चुका हूँ, अभी यह हमारा फार्म को एक्टिवेट करने का टाइम है, तो बस यहाँ पे हमको आना है और ये बकेट ऑफ वाटर को यहाँ ऊपर मारना है। तो ये हो चुका है एकदम, अब हमको यहाँ पे एक कैल्प लगा देना है, तो ये कैल्प इधर लग जा भाई। ओके लग चुका है, चलिए हो गया है। अब हमको सिर्फ ऊपर जाके वो क्या बोलते यार उसको हमको है ना रेडस्टोन से कनेक्ट कर देना है बस इसको। तो ये हो चुका है कनेक्ट, ये हो गया हमारा फार्म एकदम, मतलब पूरा रेडी, बस हमको इस फार्म को नीचे से एक्टिवेट करना है। तो है ना पहले इसको मैं तोड़ के नीचे चलता हूँ फटाफट से, तो अब लगता नहीं कि हमको कभी ऊपर जाना होगा, ये रेडी हो चुका है ना। ओके रेडी हो चुका है, तो बस यहाँ से आराम से उतरना है, गिरना नहीं है, बहुत ज़्यादा ही हेल्थ जाता है। तो यहाँ से फार्म को रेडी कर दे, मतलब चालू कर देता हूँ ये, अरे यार चालू हो जा। ओके तो ये हमारा फार्म एकदम चालू हो चुका है फटाफट वाला, तो यहाँ से देखिए कैल्प कट रहे, खटाखट कट रहे। अब काम करता हूँ ना मैं, इसमें स्टैंड रख देता हूँ, कभी है ना ये टूट, ये क्या है, ओके ये तो ड्रॉपर, इसको हटाओ, कभी ये टूट जाए ना कैल्प तो काम आएगा। तो ये काम करता हूँ यहाँ से ना, ओके मुझे कैल्प को थोड़ा सा लेके इधर रख लेना है इमरजेंसी के लिए, क्योंकि कैल्प टूट जाता है ना कभी कभी। तो चलिए फटाफट से मैं ना कैल्प इधर से कलेक्ट करता हूँ, दो कैल्प हो चुका है, चलो तीन हो चुके हैं। ओके चार कैल्प इनफ है, तो बाकी सबको जलने देते, और है ना और पाँच स्टैक कैल्प अगर इसमें आप जला लो ना, तो देखिए जैसे कि ये चार कैल्प जले ना, पाँच जले ना, वैसे ही अगर ये पांच स्टैक होते ना, तो आपको 30 लेवल ऐसे मिल जाते हैं। और अभी तो फिलहाल मैंने इसमें कोल डाला है, पर जैसे ही कैल्प हो जाएंगे तो मैं इसमें ना कैल्प के ब्लॉक्स डाल दूंगा। और यहाँ पे मैंने बेड को शिफ्ट कर लिया, क्योंकि उतना दूर सोने जाना पड़ता है। तो है ना थोड़ी देर में वेट करके आपसे, मतलब थोड़ी देर आप वेट कीजिए, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ, और मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना ज़्यादा मेरे को वो मिला है, क्या बोलते यार उसको, एक मिनट पहले मैं इसको हटा दूँ, कितना ज़्यादा मुझे एक्सपी मिलता है, और फिर हम कुछ एन्चेंटमेंट्स करेंगे। तो गाइज यहाँ पे ना मैंने देखा, तो देखिए इधर ऑलमोस्ट 3 स्टैक हो चुकी है, और मेरा कोल ख़त्म होने आया ना, तो मैं ना देखिए पहले ना बता दूँ, ये देखिए मैंने कैट को यहाँ पे रख दिया कि कोई क्रीपर आए तो इधर से डर के भाग जाए। तो 3 स्टैक हुआ है, तो मैं ना ये वाले स्टैक्स का है ना कैल्प का ब्लॉक बना के उससे ना फ्यूल यूज़ करूँगा, क्योंकि मेरे कोल तो ख़त्म हो गए, तो मुझे ऐसा ही करना पड़ेगा, क्योंकि और कोई रास्ता है नहीं मेरे पास। तो इस तरीके से कर लेता हूँ, और यहाँ पे जाके ओके ये कोल को ख़त्म हो जाने दो, ख़त्म हो जाए भाई जल्दी से, तो ये कोल ख़त्म हो जाएगा, फिर मैं इसके जगह पे रख दूंगा। ओके हो चुका है यहाँ पे, और ये वाले में भी ख़त्म होने वाला होगा कोल, तो ये लास्ट है, तो जल्दी भाई ख़त्म हो जाए, मैं तेरे को भी लगा दूँ। तो हो चुका है, तो मैंने यहाँ से 3 स्टैक निकाले, तो याद रखना है कि 3 स्टैक मैंने यूज़ कर लिए, टोटल 5 स्टैक को बर्न होने देना है ना, तो 3 स्टैक यूज़ कर लिए मैंने, और ये फार्म चल रहा है ना। ओके चल रहा है, देखते रहना पड़ता है, कभी कभार कैल्प टूट जाता है। तो चलिए, तो 3 ही स्टैक हुआ है, तो कोई बात नहीं, अब है ना मैं फ़िलहाल एक्सपी लेना स्टार्ट करता हूँ, 3 स्टैक तो 3 स्टैक ही सही। तो चलिए एक्सपी लेते पहले ना, ये कैल्प को रख देता हूँ मैं यहाँ पे, और इस सैंड को मैं यहाँ पे रख देता हूँ, मुझे ना एनविल बनाने के लिए थोड़ा बहुत आयरन की ज़रूरत पड़ेगी, तो देखते कितना है, तो 15 लेवल है अभी, देखते कितना हो पाता है।
तो 15.5 है, अभी तो स्टार्ट हुआ है फार्म इसलिए थोड़ा धीरे धीरे होता है, लेकिन 16 लेवल आखिरकार मेरा हो चुका है, तो फिलहाल तो सही चल रहा है, देखते हैं। ओके, 3 स्टैक में मेरे को थोड़ा बहुत लेवल दे रहा है, मतलब बहुत अच्छी बात है, इतना इतना लेवल तो बहुत अच्छी बात होती है। बस मुझे ना 30 लेवल कंप्लीट करना है, मुझे ना थोड़ा सा वेट करना होगा, और जैसे ही मेरा वेट ख़त्म होगा तो बहुत सारे एक्सपी हो गए, चलो 15 से 17 हो चुके हैं, तो इतनी जल्दी जल्दी एक्सपी देते रहता है ये फार्म, इसलिए ये फार्म बहुत ही ज़्यादा ओपी है। तो 17 है, मतलब 17 से थोड़ा हो चुका है, और ये 17 से और थोड़ा हो चुका है, बस 30 लेवल करना है ना, तो थोड़े बहुत हम इंचेंटमेंट्स करने चलेंगे नीचे। तो ये कितना है, 17.5 हो चुके हैं, ये कितने और आधे हो चुके हैं, अभी 18 हो जाएंगे मेरे ख्याल से, चलिए देखता हूँ जल्दी से हो जा भाई, ये कितने हो चुके हैं, ओके 18 हो चुके हैं। तो एक काम कर रहा हूँ, थोड़ा और इनको बढ़ने मतलब बर्न होने देता हूँ, क्योंकि अभी तो 3 स्टैक हुए ना, जैसे ही 5 स्टैक पूरे हो गए वैसे ही अपनी एक्सपी को कंप्लीट होने में, मतलब 30 कंप्लीट होने में कोई नहीं रोक सकता। तो आपसे और थोड़ी देर बाद मैं मिलता हूँ, जैसे ही 30 एक्सपी करने के बाद मिलता हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा, तो थोड़ी देर बाद मिलता हूँ, थोड़ा सा वेट कीजिए आप। Few inches later. तो चलो मेरे 29.5 हो चुके हैं, तो चलिए फटाफट से इसको 30 लेवल करते हैं, और ये लास्ट हो चुका है, ओके 29, और बस थोड़ा सा बाकी, और 2 कैल्प में कलेक्ट करूँगा तो हो जाएंगे एकदम 13। ये हो चुके हैं 29 एंड मस्त 13, और ये हो चुका है पूरे 30 लेवल। तो क्या हो रहा था कि मैं ना इधर से जितने भी कैल्प नीचे बर्न होकर आ रहे थे उन सबको मैं ना वापस से ब्लॉक बना बना के इसके अंदर रख रहा था कि ज़्यादा मुझे मिल जाए ना, तो ये पहले है ना इसको यहाँ पे रखता हूँ, और ये फार्म को पहले बंद, अरे यार बंद हो जा, मैं ना ये फार्म से दूर जा रहा हूँ इसलिए मैं इस फार्म को बंद कर रहा हूँ। तो आप भी ऐसा ही करना, फार्म नीचे का बंद हो जाता है ना तो ऊपर का चले तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कैल्प जब ग्रो नहीं होगा तो वो फार्म थोड़ी मतलब वो थोड़ी कट करेगा। तो चलिए अब है ना नीचे चल के हम ना इंचेंटमेंट्स कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से ना मैं एक बुक बनाता हूँ, तो बुक की रेसिपी क्या थी यार, ओके बुक ये रहा, और है ना मैं ना ये वाले जो मेरा ये फिशिंग रॉड है ना इसमें मुझे लक ऑफ द सी लगाना है, इसमें लक ऑफ द सी 1 है लेकिन मुझे है ना लक ऑफ द सी 3 लगाना है। तो मैं पहले देखूँगा, अगर मुझे मिलता है तो ठीक है, पहले इसको डिसइंचेंट करना पड़ेगा, इसमें 1 है ना, तो ये भी मैंने बहुत मुश्किल से लगाया था, लेकिन तब 3 मिल रहा था, लेकिन मेरे पास वो नहीं था ना, क्या कहते हैं उसको एक्सपी, एक मिनट कहाँ गया, ओके ये रहा। तो यहाँ से मैं इसको पहले डिसइंचेंट करता हूँ, ये हो गया डिसइंचेंट, और चले देखते हैं कि इसके अंदर क्या मिलता है। अनब्रेकिंग 3 मिल रहा है जो मुझे नहीं चाहिए, लूटिंग 2 का एफिनिटी मिल रहा है, एक काम करता हूँ इधर से लैपिस लेते, क्या पता अनब्रेकिंग 3 में मुझे लक ऑफ द सी 3 मिल जाए। तो लेता हूँ, कुछ मिला, लक ऑफ द सी 1 यार बहुत बेकार सा, पहले इसको हटाओ, ब्लास्ट प्रोटेक्शन, फेदर फॉलिंग, एक मिनट मैंने ये यार मैंने यहाँ पे टॉर्चिस लगाए ना लिटरली, इसलिए इतना कम मिल रहा था, मैं भी पागल आदमी, टॉर्चिस तो मैंने हटा दिया था लेकिन फ़िलहाल मैंने वापस से गलती से लगा दिया, सिल्टर्स मिल रहा है, प्रोटेक्शन मिल रहा है, काम करता हूँ मैं इसको वापस हटा देता हूँ, इसकी एक्सपी लेवल को वापस हटाओ, और मुझे लक ऑफ द सी 3 नहीं मिलता तब तक मैं ऐसे ही करूँगा, मिल जाए लक ऑफ द अनब्रेकिंग 3, यार बेवकूफ़ क्या बकवास दे रहा है। इसमें वापस से मैं ये वाला लेके देखता हूँ, इसमें अनब्रेकिंग 2 ही आया, इसमें क्या मिला, डेप्थ स्ट्राइडर, कुछ भी ढंग का नहीं मेरा, एक काम करता हूँ इसको मैं फिर से हटाता हूँ, मेरे को लक ऑफ द सी 3 ही चाहिए, अनब्रेकिंग 3 यार तुम कितने बेवकूफ़ आदमी हो, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे चाहिए सिर्फ ओनली लक ऑफ द सी 3, ओके मेरे लैपिस भी ख़त्म हो रहे यार, मैं भी बेवकूफ़ आदमी, लक ऑफ द सी 3, ओके डील को लॉक करो, इसको जाने मत देना, मैं ऊपर से ना लेवल्स लेके आता हूँ फटाफट से, और 7 लेवल चाहिए तो मैं 7 लेवल फटाफट से लेके आता हूँ। 1 eternity later. तो दोस्तों फाइनली मैं 30 लेवल करके आ चुका हूँ, और चलते फिर अपना इंचेंटमेंट करने, और मतलब होप करते कि वो इंचेंटमेंट चला ना गया हो। तो ये बुक्स ये जो भी है सब ले लेते हैं, और लक ऑफ द सी 3 चाहिए, ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए मेरे को, वही होना चाहिए, ओके वही है। तो कहाँ है मेरे लैपिस कहाँ चला गया, ओके ये रहा लक ऑफ द सी 3, उसके साथ अनब्रेकिंग 3, लूर 3, सब कुछ आ गया है। इतनी खुशी वही तो चाहता था मैं, लेकिन वही नहीं दे रहे थे ये बेवकूफ़ लोगों के, शार्पनेस 3 दे रहे हैं, तो मेरे स्वॉर्ड के लिए अच्छा रहेगा, लेकिन अभी फ़िलहाल मेरे पास एक्सपी नहीं है, और मैं दोबारा एक्सपी लेने जाना नहीं चाहता। तो एक काम करते ये लक ऑफ द सी 3 को लेते हैं, और चलते एक फिशिंग मतलब एक लास्ट फिश पकड़ते, और हमारे वीडियो को मतलब यहीं पे फिनिश करते आज का वीडियो। तो यहाँ पे चलते इसके अंदर थोड़ा सा निशाना लगा के फिशिंग करते हैं, और इसमें क्या है कि आपको क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, ओके फिश आ भी गई, तो देखते क्या मिलता है, हमको मिल चुका है, अब चलते चेस्ट खोलते हैं इसके अंदर,
और देखते तो इसके अंदर कुछ ओके एक फिश आया है बस, ये 29 से 30 हो चुके हैं। और ये जो फॉर्चून है उसको मैं ना बाद में नेक्स्ट वीडियो में मैं लगा लूँगा, और थोड़े जगह पे मुझे डायमंड मिले तो उसको भी मैं माइन करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं एक नए माइनक्राफ्ट के मतलब हार्ड कोर के वीडियो में। तो आई होप आपको अच्छा लगा हो, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।